हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में। तो अभी मैं हूँ फिलहाल रिकॉन्गपियो में और यहाँ पे लगा हुआ है मेला लवी फेयर, रिकॉन्गपियो का लवी फेयर। तो थोड़ी देर में मैं घुमाता हूँ आपको लवी फेयर में। अभी मैं एक होटल पे जहाँ पे हम कर रहे हैं लंच और उसके बाद यहाँ से हम चलेंगे। ये देखिए मेरे पीछे लवी फेयर की धूम मची है यहाँ पे। बाकी मिलते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको लवी फेयर, रिकॉन्गपियो का लवी फेयर। ये है रिकॉन्गपियो चौक। तो मिलते हैं फिर लवी फेयर में। तो अभी हम यहाँ रेस्टोरेंट से निकले हैं, अभी मेले का लगाएंगे एक राउंड, फिर चलेंगे वापस बस स्टैंड की तरफ। और ये देखिए लगी है यहाँ पे भीड़। अभी रिकॉन्गपियो का लवी मेला शुरू हुआ है, इसके बाद रामपुर में मेले शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे राजीव भाई और ये राहुल अखरोट खरीदता हुआ। अच्छे हैं अखरोट। अंकु भाई ठीक हैं और राहुल टंडन यहाँ पे अखरोट खरीदता हुआ। कितने रुपए किलो, क्या हिसाब है? और अभी राहुल के साथ में और राहुल जा रहे हैं मेला घूमने। सामने किन्नर क्लास रेंज और अच्छी सी वीडियो बनाई हो, बाद में मेरे को भी दे दियो। और यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, ये देखिए सर्दी के कपड़ों के स्टॉल, सर्दी के कपड़े यहाँ पे। मतलब अभी मेले का ऐसे भी जैसे मेले होते हैं तो इनमें ज़्यादा सामान के लिए लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। और अभी आजकल जैसे कि सर्दी आने वाली है तो सर्दियों के लिए भरपूर मात्रा में यहाँ पे कपड़े मिलते हैं। चिकन पकौड़ा मछली अपने सिलेबस से बाहर है। बाकी ये देखिए कपड़े ही कपड़े और जगह जगह स्टॉल लगे हुए हैं। ये देखिए किन्नौरी शॉल, लोग जगह जगह खरीदारी करते हुए। और यहाँ पे बच्चों के खेलने की चीज़ें, झूले लगे हैं। ये देखिए झूले, क्या चाहिए, क्या दे रहे हैं आप बोलो? कितने रुपए का कंबल है? 1000 रुपए का कंबल, एक कंबल दे रहे हैं 1000 रुपए में। कितने कंबल हैं आपके पास? बहुत सारे हैं, बेच भी दिया सुबह से, अभी नहीं बिका। ओ यार इस बार ये मेला सड़क की दूसरी साइड नहीं है और ऊपर को लगा हुआ है जहाँ से हम बस स्टैंड को जाते हैं। पिछले वर्ष ये मेला इस सड़क के नीचे डीसी ऑफिस की तरफ भी लगा था, लेकिन इस बार शायद नीचे को जो जगह आवंटित होती है वो नहीं हुई है नीचे के लिए। और अभी हम आगे की तरफ चल रहे हैं। तो ये देखिए खूबसूरत सी वादियों में, खूबसूरत सी वादियों में लगा हुआ है मेला। और ये देखिए झूला, यहाँ पे झूलने के लिए बच्चों के लिए स्पेशली तौर पर बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं मेलों में आना। और हम भी अभी बच्चे हैं तो अभी यहाँ पे आए हुए हैं। तो चलो इन बेहतरीन खूबसूरत सी वादियों का आनंद लेते हुए आगे आगे चलते हैं मेला देखते हुए। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे सारे लोग, सारे किन्नौर के लोग हैं। आज आपको सारे जितने भी यहाँ पे कवर हो पाएंगे किन्नौर के लोग दिखाते हैं। पर देखिए इतनी ठंड में बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं। और ये देखिए स्टॉल, यहाँ पे लगे जगह जगह स्टॉल और स्टॉल में है भीड़। और ये देखिए आपने बड़ी बड़ी कश्तियाँ देखी होंगी नीचे हमारे जो मेले होते हैं, अभी यहाँ छोटी कश्ती देखिए बच्चों के लिए है। तो कुछ ऐसा चला हुआ है यहाँ पे। ये देखिए मेहंदी लगाई जा रही है, मेहंदी। और ये देखिए खूब मौज मस्ती करते हुए छोटे छोटे बच्चे। अंकू भाई की कॉल आ गई आगे से। और कुछ इस तरह से इस वर्ष का मेला ये लगाया गया है रोड के बीच में। फिलहाल ये जो रोड था ये बंद है और यहाँ पे लोगों के लिए बनाया गया। वो सामने देखिए किन्नर क्लास रेंज, बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य देखने में लग रहा है। और ये देखिए यहाँ दुकानों पे लगी हुई भीड़, लोग कर रहे खरीदारी। यहाँ पे मिलेगा आपको लोहे का सामान, लोहे के सामान में भी खासी भीड़ है, लोहे के सामान की भीड़।
ये हमारा दोस्त यहाँ पे। हेलो दोस्त, ठीक है, चला है काम? ठीक चला है, मिलते फिर। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्टील का सामान, स्टील के सामान की खरीदारी हो रही है। तो अभी हम पहुँचे हैं ITBP गेट के पास, ITBP गेट। और ये देखिए चश्मे ही चश्मे, अगर आपको भी इनमें से कोई पसंद है तो यहाँ आकर ले जाएं चश्मा, हमारे पास तो दो तीन है। मेला खत्म नहीं, हाँ रोड ब्लॉक है, हो सकता है मेला खत्म हो जाए जब तक ये आएंगे तब तक। और हमारे पास तो बहुत सारे चश्मे हैं, चश्मा लगाइए ना। तो वाओ, जस्ट लुक एट द व्यू। मेला मेला अभी आगे को भी है ना। चलो कल नाइट प्रोग्राम देखेंगे अंकु भाई इधर, ठीक है? कल रात को मैं इधर ही हूँ शायद। सोना ही सोना, सोना दिखाते हैं इनको। सोना ये देखिए, सोना असली है, सोना है पक्की बात। और एक और अपना दोस्त यहाँ पे मिलता हुआ। दोस्त कितने का कंबल बेच रहा है यार? जो तुझे अच्छा लगे ले जाऊं, कितने में देगा फिर? रेट के हिसाब से, वेट के हिसाब से, रेट के हिसाब से। चल फिर कल आते हैं। ओके ओके, तो अभी राहुल के लिए हम कल कंबल लेंगे यहीं से, अपने दोस्त की दुकान से। बाकी चलते हैं अभी आगे। क्या किया जाता है? तो अभी थोड़ी देर में मुझे जाना है ड्यूटी, तो अभी हम स्पीड में जाएंगे बस स्टैंड की तरफ, नहीं तो ड्यूटी हो जाएगी कैंसिल और हमें लगेगी रिकवरी। राहुल भाई कैसा लग रहा है फिर आपको आज मेले में घूमना? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ड्यूटी कब जाएंगे आप? ड्यूटी जाना मैंने 4 बजे। 4 बजे जाना है? मैंने 3:45 पे जाना है, तो आज हम 3:45 पे ड्यूटी जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से घूम के। बाकी मेरे पीछे तो आप देख रहे होंगे उतनी ज़्यादा तो भीड़ नहीं है फिलहाल, क्योंकि रोड ब्लॉक है और काफ़ी सारे लोग इधर उधर फंसे हुए हैं। तो इस कारण आज हमें फ्री टाइम मिला और हम घूम रहे हैं किन्नौर का लड़ी मेला। बाकी जल्दी जल्दी आपको दिखाते हैं अभी आगे। यहाँ पे राहुल टंडन ने मार लिए पॉपकॉर्न, ले लिए है। अभी राहुल टंडन पॉपकॉर्न खाएंगे फिर चलेंगे, ठीक है? एक्चुअली ना वो फायदा दे रहा था कि 20 का एक और 50 के 3, तो मतलब ये देख रहा था कि ऐसे बन जाएगा। देख के नहीं बोला, वो सबके लिए ऐसे बोलेगा, क्योंकि 10-20 रुपए का फायदा तो कर ही देगा बंदा कोई। तो यहाँ पे पड़ रही है अभी धूप। ये नीचे देखिए, यहाँ पे कल्चर नाइट्स होती है। अभी यहाँ पे गेट और यहाँ पे होगी रात को कल्चर नाइट्स। तो नीचे बाजार से लेकर यहाँ पुलिस लाइन तक और मेला ख़त्म, यहाँ पे हो गया मेला ख़त्म। अभी हम जाएंगे बस स्टैंड। तो अभी टाइम नहीं बचा है इसलिए हम शॉर्टकट में जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ, यहाँ से सीधा हम चढ़ जाएंगे बस स्टैंड को।
तो थोड़ी देर मेले का एक राउंड लगाने के बाद अभी हम चल पड़े बस स्टैंड को, क्योंकि हमें अपनी अपनी ड्यूटी पे जाना है। और फिर मिलते हैं, देखते हैं कल टाइम लगेगा तो कल फिर आ जाएंगे, बाकी नहीं तो रात को मिलेंगे। फिर रात को तो ये नहीं होंगे हम, तो आगे का ब्लॉग फिर वहीं बनाएंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। बाकी अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो और आपको ये जगह पसंद आई हो तो रिकॉम्पी एक बार ज़रूर विज़िट करें, मुझे तो काफ़ी पसंद है। अंकू भाई ख़त्म हो गया, तो ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और राहुल का भी एक चैनल है, वो अभी ग्रो हो रहा है चैनल, है ना, चल रहा है। मिलते हैं फिर आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय छोटू।